Welcome in this video, and this video is for class 12th RBSE, and this is the 11th chapter, the Rat Trap of the book Panorama. So let's start the next paragraph of this chapter. But just as the man was opening the door, लेकिन जैसे ही वो आदमी दरवाज़ा खोलने जा रहा था, यानी कि दरवाज़ा खोलने वाला था, कौन? रेड ट्रैप पेडलर. द डॉटर सेड, उसकी बेटी ने उससे कहा, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे, मुझे ऐसा लगता है कि आज रात उसे हमारे साथ रहना चाहिए. आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ से जाए. एंड विद दैट सी वेंट एंड क्लोज द डोर, और इसी के साथ ही वह गई और उसने दरवाज़ा जाकर बंद कर दिया. वाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, इस दुनिया में तुम क्या कर रही हो? सेड द फादर, पिताजी ने कहा. द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, उसकी जो बेटी थी वो चुपचाप शर्माते हुए घबराते हुए वहाँ खड़ी हो गई, और उसे मुश्किल से ही ये पता था कि उसे उत्तर क्या देना था, यानी कि वह नहीं जानती थी कि वह उत्तर क्या दे. दैट मॉर्निंग सी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन सी थॉट हाउ होमलाइक एंड क्रिसमेसी सी वाज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रिच. और उस सुबह उसने अपने आप में बड़ी प्रसन्नता महसूस की. ठीक है, उसने सोचा कि वह अपने उसको घर जैसा और क्रिसमस त्यौहार जैसा, ही सी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रिच, उस भूखे गरीब भूखे आवारा के लिए वह घर जैसा और क्रिसमस जैसा माहौल उसे देने जा रही थी. सी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, वह अपने आइडियाज़ को एक बार में ही एक्सपोज नहीं करना चाहती थी, नहीं बताना चाहती थी. एंड दैट वॉज वाई, ऐसा इसलिए था, सी हैड इंटरसेडेड फॉर द वैगाबॉन्ड, क्योंकि उसी ने ही उस आवारा को आमंत्रित किया था या लाने के लिए उत्साहित किया था. आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, सेड द यंग गर्ल, उस लड़की ने कहा कि मैं सोचती हूँ कि यह अजनबी यहाँ पर रहे. He walks and walks the whole year long, there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. क्योंकि यह बहुत, यानी कि पूरे समय, बहुत लंबे समय तक आवारा तरीके से घूमता है, और संभवतः एक सिंगल प्लेस भी ऐसा नहीं है जहाँ उस राज्य के अंदर उसका सम्मान किया जाए, उसका वेलकम किया जाए और उसे घर जैसा माहौल मिले. ऐसी दुनिया में उसे कोई जगह नहीं मिली. वेर एवर ही टर्न्स ही चेस्ट अवे, वो जहाँ कहीं भी जाता है उसे वहाँ से भगा दिया जाता है. ऑलवेज ही इज़ एफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामाइन, यहाँ तक कि वह हमेशा गिरफ्तारी के डर से और उल्टे सीधे प्रश्नों के डर से हमेशा भयभीत रहता है, डरा हुआ रहता है. I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year. और मैं चाहती हूँ कि उसे शांति से इस दिन का आनंद लेने दें. ठीक है, क्योंकि इस प्रकार का अवसर उसे साल में सिर्फ एक बार ही मिलता है. The Iron Master mumbled something in his beard, और Iron Master अपनी दाढ़ी में बड़बड़ाने लगा, मतलब कुछ बोलने लगा. He could not bring himself to oppose her, वह अपनी बेटी के खिलाफ नहीं जा सकता था. It was all a mistake of course, she continued, और उसने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि शायद ही उनसे कोई गलती हुई है. But anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here, और किंतु कुछ भी हो, किंतु मुझे ऐसा नहीं लगता कि जिस व्यक्ति को हमने यहाँ रुकने के लिए आमंत्रित किया है उसको यहाँ से मानवता के नाते भगा दें, ये मुझे ऐसा नहीं लगता. एंड टू होम वी हैव प्रोमिस्ड क्रिसमस ईयर, और हमने उससे क्रिसमस
आनंद यानी कि क्रिसमस का आनंद लेने के लिए वादा किया है। यू डू प्रीच वर्स देन ए पर्सन, और तुम तो किसी पादरी से भी अच्छा भाषण देती हो। प्रीच यानी कि भाषण। सैड देयर ऑन मास्टर, यानी कि खुद आयरन मास्टर ने अपनी बेटी से कहा, आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, और मुझे सिर्फ एक ही बात की आशा है कि शायद तुम्हें अपनी गलती के लिए पछताना नहीं पड़े। आयरन मास्टर ने अपनी बेटी से कहा कि तुम इस वैगाबॉन्ड को, इस आवारा को रोक तो रही हो, लेकिन मुझे ऐसी आशा है कि तुम इस बात के लिए पछताओ नहीं। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाई द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल, और वो युवा लड़की उस अजनबी को लेकर उसके हाथ को पकड़कर उसको टेबल पर बैठने के लिए ले गई। नाउ सिट डाउन एंड ईट, सी सैड, उसने कहा यहाँ बैठो और खाना खाओ। फॉर सी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, और वह देख सकती थी कि उसके पिताजी हार मान चुके थे। गिवन का मतलब हार मानना। द मैन विद द रेड ट्रैप सैड नॉट ए वर्ड, किंतु उस चूहेदानी बेचने वाले ने कोई जवाब नहीं दिया, एक शब्द भी नहीं बोला। ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड, और वह वहाँ केवल बैठा रहा और खाना खाता रहा। आफ्टर टाइम आफ्टर ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसेडेड फॉर हिम, और वह बार बार उस लड़की की तरफ देखता था जिसने कि उसे यहाँ लाने में मदद की थी। वाई हैड सी डन इट, किंतु उसने ऐसा क्यों किया। वाई कुड द क्रेजी आइडिया बी, उसके मन में क्या पागलपंथी हो सकती है। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रामस जो पास्ट जस्ट एट इट ऑलवेज हैड, और क्रिसमस की शाम रामस जो के अंदर पूर्व की तरह जा चुकी थी, यानी कि जैसे जो अर्लियर इवनिंग्स थी जैसे वो बीत चुकी थी, इसी तरीके से क्रिसमस की शाम भी बीत चुकी थी, क्रिसमस का त्यौहार भी जा चुका था। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज सी डिड नथिंग बट स्लिप, और वह अजनबी जो था उसने किसी प्रकार का कोई खतरा पैदा नहीं किया, कोई मुसीबत पैदा नहीं की, क्योंकि उसने सोने के अलावा कुछ नहीं किया, केवल सोता रहा। द होल फॉरनून ही ले ऑन सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स एंड स्लिप्ड एट वन स्टेज, और पूरी दोपहर वह केवल मेहमान वाले कक्ष में सोफा पर लेटा रहा और वहाँ पसर कर सोया रहा। एट नून दे वॉक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, उन्होंने दोपहर के समय उसे जगाया भी ताकि वो यानी कि गुड क्रिसमस फेयर, क्रिसमस का जो आनंद है वो उठा पाए। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, किंतु उसके बाद वो फिर जाकर सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हेयर एट रामस जो, और ऐसा लगता था कि मानो वो कई सालों से शांतिपूर्ण तरीके से और सुरक्षापूर्ण तरीके से नहीं सोया जैसे कि रामस जो में यहाँ सो रहा है। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री लाइटेड, जब शाम के समय क्रिसमस की लाइटें जलाई गई थी, दे वॉक हिम अप अगेन, उन्होंने उसे फिर से जगाया। एंड ही स्टूड फॉर ए वाइल इन द ड्राइंग रूम, और वह कुछ समय के लिए, फॉर ए वाइल का मतलब कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए वह ड्राइंग रूम में जाकर खड़ा हो गया। ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, और वह अपनी आंखें झपकाने लगा जैसे कि मोमबत्ती की रोशनी उसे परेशान कर रही हो। बट आफ्टर दैट ही डिसअपीयर्ड अगेन, किंतु उसके बाद वो फिर से गायब हो गया, चला गया। 2 hours लेटर ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, और 2 घंटे के बाद वो फिर से वापस आया। ही देन हैड टू गो डाउन इन टू द डाइनिंग रूम, उसके बाद उसे डाइनिंग रूम में जाना था, ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरिज, क्योंकि उसे वहाँ पर क्रिसमस के अवसर पर मछलियाँ और दलिया खाने को मिलता। एज सून एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट, और जितना जल्दी हो सका, यानी कि जैसे ही वह टेबल से खड़ा हुआ, यानी कि वे टेबल से खड़े हुए, तो प्रत्येक एक दूसरे के पास मिलने के लिए उपस्थित हुए और उन्होंने एक दूसरे से धन्यवाद कहा और गुड नाइट कहा। बट वैन ही केम टू द यंग गर्ल सी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट
इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट विच ही वॉर वॉज टू बी क्रिसमस प्रेजेंट। और जब वह उस लड़की के पास आया तो सी गेव हिम टू अंडरस्टैंड, और उसे समझाने के लिए कहा दैट ही वॉज हर फादर्स इंटेंशन, कि उसकी उसके पिताजी की समझ है, उसके पिताजी का इरादा है, दैट द सूट विच ही वॉर वॉज टू बी क्रिसमस प्रेजेंट, कि जो सूट उसने क्रिसमस के अवसर पर पहना है वह उसे उपहार के रूप में अपने पास रख ले। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, उसे उस सूट को लौटाने की आवश्यकता नहीं थी। बट ही वॉन्टेड इफ ही वॉन्टेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन ए प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस एंड बी श्योर दैट नो एविल वुड बीफॉल हिम, किंतु अगर वह चाहता है तो क्रिसमस से अगले वाला जो दिन है, जो समय है, जिस स्थान पर वो रह रहा है उस स्थान पर शांतिपूर्ण तरीके से रह सकता था, किंतु उसके लिए निश्चिंत था, यानी कि ये सुनिश्चित करना था कि कोई भी बुरा कार्य वह नहीं करेगा। ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, और उसका फिर से स्वागत किया जाएगा। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, उस आदमी ने जो चूहेदानी बेचता था उसने किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया। ही ओनली स्टेड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट, वह लगातार उस युवा लड़की को असीमित आश्चर्य के साथ देखता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर ओन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, और अगली सुबह जो आयरन मास्टर था, यानी कि घर का मालिक था, और उसकी जो बेटी थी, वो सुबह जल्दी खड़े हो गए ताकि सुबह जल्दी जाकर क्रिसमस सेवा कर सकें, यानी कि चर्च में जाकर वो ईसा मसीह को याद कर सकें। देयर गेस्ट वाज स्टिल अस्लिप, उनका मेहमान अब भी सोया हुआ था, एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन्होंने उस फेरी वाले को परेशान नहीं किया। वेन एट अबाउट 10 o'clock दे ड्रॉ बैक फ्रॉम द चर्च, किंतु 10 बजे जब वो चर्च से वापस लौट कर आए, द यंग गर्ल सेट हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल, वह युवा लड़की अपना सिर झुकाकर बैठ गई और उसका जो सिर था वो निराशापूर्ण तरीके से हमेशा की तरह उसने नीचे झुका लिया। एट चर्च सी हैड लर्न्ड, और चर्च में उसको पता लग गया था दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉप्टर्स ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रॉबर्स बाय ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स, कि आयरन वर्क्स में काम करने वाले जो किसान थे, यानी कि जो पुराने किसान थे, उनमें से किसी एक आदमी द्वारा लूट लिया गया था। वन ऑफ द ओल्ड क्रॉप्टर्स मतलब उनमें से एक किसान को किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा लूट लिया गया था जो चूहेदानी बेचने का काम करता था। यस दैट वॉज ए फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस सैड अर फादर, उसके पिताजी ने कहा हाँ शायद यह वही व्यक्ति था जिसको कि तुमने अपने घर में रहने की अनुमति प्रदान की थी। आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कवर्ड बाई दिस टाइम, और मुझे इस बात के लिए आश्चर्य होता है कि इस समय हमारे कवर्ड में, हमारी अलमारी में कितनी चांदी की चम्मच शेष रह गई होगी। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट, और जैसे ही गाड़ी आकर रुकी एट द फ्रंट स्टेप मतलब पहली सीढ़ियों के पास आकर रुकी, आयरन मास्टर ने अपने नौकर से पूछा वेदर द स्ट्रेंजर वॉज स्टिल देयर, क्या अब भी वो चूहेदानी बेचने वाला घर पर है। ही एडेड दैट ही हैड हियर्ड एट चर्च दैट मैन वॉज अ थीफ, आयरन मास्टर ने बताया कि उसने चर्च में सुना था कि वह आदमी एक चोर था। द वैलेट आंसर्ड दैट द फेलो हैड गॉन एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल, और उस नौकर ने जवाब दिया कि वह व्यक्ति यानी कि वह साथी यहाँ से जा चुका था और यहाँ से वो कुछ भी लेकर नहीं गया था। ऑन द कंट्रेरी इसके विपरीत ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज विच मिस विल मैंशन वॉज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, और उसने यहाँ पर एक छोटा सा पैकेट पीछे छोड़कर गया था जिसको मिस मैसन दयापूर्ण तरीके से क्रिसमस के उपहार के रूप में स्वीकार कर ले। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज
उस युवा लड़की ने उस लिफाफे को खोला विच वाज सो बैडली डन अप, जिसको बहुत बुरे तरीके से पैक किया गया था, दैट द कंटेंट्स केम इन टू व्यू इट वंस, और उसमें उसकी नज़र उस लिखे हुए कंटेंट पर पड़ी। सी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, और वह जोर से चीख पड़ी। सी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, उसे एक चूहेदानी भी मिली। एंड इन इट ले थ्री रिंकल 10 क्रोनर्स नोट्स, और 10-10 के क्रोनर के 3 नोट उसको मिले। बट दैट वॉज नॉट एट ऑल, किंतु यह कंप्लीट नहीं था, परफेक्ट नहीं था। इन द रेड ट्रैप ले आल्सो ए लेटर रिटन इन लार्ज एंड जैक्ड हैंड कैरेक्टर्स, उसको चूहेदानी के अंदर से एक लेटर भी मिला। वह लेटर बड़े बड़े अक्षरों में, टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा हुआ था, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, आदरणीय और श्रेष्ठ मिस विल्मेंसन, जब से मैं तुमसे मिला हूँ पूरा समय मैं तुम्हारे साथ रहा हूँ, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। एज इफ आई वाज ए कैप्टन, और मुझे ऐसा लगा कि मानो मैं कोई सचमुच का कप्तान हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न, मैं तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा सोचना चाहता हूँ। इसके बदले एज इफ आई वॉज ए रियल कैप्टन, और मानो कि मैं वास्तविक रूप से एक सच्चा कप्तान था। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाई ए थीफ, मैं नहीं चाहता था किसी चोर के कारण क्रिसमस के इस त्यौहार पर तुम अपने आप को परेशानी दो। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज ए बैट फॉर पुअर वेंडर्स, और मैं चाहता हूँ कि तुम इस धन को यानी इन पैसों को उस बूढ़े आदमी को दे दो जो रोड की बगल में रहता है, जो अपना पैसा एक यानी कि अपना जो धन है वो एक पाउच में खिड़की के सहारे फ्रेम में लटका के रखता है, जो कि घुमक्कड़ गरीबों के लिए एक चारे का काम करता है। द रेड ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फॉर ए रैट हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड रेड ट्रैप इफ ही हैड नॉट बीन रेस्ड टू कैप्टन, यह चूहेदानी एक चूहे की तरफ से तुम्हें भेंट दी जाती है। वह चूहा जो कि संसार रूपी पिंजरे में पकड़ा गया था, अगर उसको कैप्टन नहीं बनाया गया होता तो, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि उसी पावर के कारण वह अपने आप को उस जाल से मुक्त करने में सफल हो पाया। रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, और यह जो लेटर था वो एक मित्रपूर्ण तरीके, मित्रवत तरीके से और आदरणीय तरीके से लिखा गया था, ठीक है, कैप्टन वॉन स्टेल, और इसमें लास्ट में साइन कर रखे थे कैप्टन वॉन स्टेल। यहाँ बता देते हैं द रेड ट्रैप इज सेट अमेजस द माइंस ऑफ स्वीडन, रेड ट्रैप जो कहानी है वो स्वीडन के खदानों के बीच से संबंधित है, रिच इन आयरन और जो कि लोहयस के मामले में एक अमीर देश है, विच फिगर लार्जली इन हिस्ट्री, जिसका इतिहास में बड़ा नाम है, एंड लीजेंड्स ऑफ दैट कंट्री, और उस देश में उसकी खुद की पौराणिक कथाएँ हैं। द स्टोरी इज टोल्ड सम वाट इन द मैनर ऑफ ए फेयरली टेल, ये कहानी किसी परियों की कहानी के रूप में बताई गई है, यानी कि उसी व्यवहार में उसी मैनर में पढ़ाई गई है। स्टूडेंट्स, दिस स्टोरी हैज़ बीन कम्प्लीटेड, एंड आफ्टर ऑल वी हैव डन द 11th चैप्टर द रेड ट्रैप ऑफ दिस बुक, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट विद ए न्यू वीडियो विद ए न्यू चैप्टर, सो यू आर टू डू ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड दिस चैप्टर विच will be sent by me, okay? So you are to revise it. Students, अगर कोई भी problem आती है तो आप बेझिझक पूछें, अपनी queries send कर सकते हैं, ठीक है? अब और यहाँ glossary भी दी हुई, glossary आप देखा करो, जैसे bag है, material है, pretty racks, sunken, gleam, vagabond, इसे clear आपको पता लगता है, जैसे bag है, verb है, to ask for alms, भीख मांगना, मेटेरियल सबस्टेंस दैट थिंग्स कैन बी मेड ऑफ, वो चीज़ें जिनसे चीज़ें बनाई जा सकती हैं, प्रीटी पीटी क्या होता है, पीटी यानी कि ट्रिफल, ठीक है, रैक्स है और टॉन क्लॉथ है, संकन है, कार्ड इनवर्ड है, ग्लीम है,
साइन ब्राइटली है, वैगाबॉन्ड है, होमलेस ट्रेवल है, तो इस तरीके के वर्ड है जो इन पर ध्यान दिया करो, ठीक है। ये एमसीक्यूज आपके दिए हुए हैं, इनको भी फोकस किया करो, ठीक है। द पेडलर सेल्स, क्या बेचता था पेडलर, तो हम बता सकते हैं कि रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। द वर्ल्ड इटसेल्फ इज ए, क्या है, बिग रेड ट्रैप है। पेडलर्स फास्ट टाइम इज टू, क्या है, तो सेल रेड ट्रैप्स, वेदनी बेचना है। एडला वाज द डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर, तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं अगर आपने चैप्टर को सही तरीके से पढ़ा है। ये 30-40 वर्ड्स के क्वेश्चन हैं जिनको आपको करना है, ठीक है। और यहाँ पे 115-125 वर्ड्स के अंदर आंसर देना है, ट्रू एंड फॉल्स के हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, सो थैंक्स।